नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात देश की राजधानी दिल्ली में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। पंकज मेहरा और प्रिया मेहरा रात में घूमने निकले थे। पंकज मेहरा और प्रिया मेहरा रोहिणी सेक्टर 15 के सी ब्लॉक में रहते थे। मंगलवार 24 अक्टूबर की रात को पंकज और प्रिया अपने 3 साल के बेटे नाइस को साथ लेकर अपनी मारुति कार से घूमने निकले थे। दोनों का इरादा गुरुद्वारा बंगला साहिब जाने का था। पंकज और प्रियंका के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। दोनों कभी गुरुद्वारा बंगला साहिब तो कभी गुरुद्वारा नानक प्याऊ जाते रहते थे। इसकी एक वजह ये भी थी कि पंकज का बिजनेस था और उसका पूरा दिन व्यस्तता में बीतता था। 24 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे पंकज और प्रिया तैयार होकर अपनी कार से निकले। उनके साथ उनका बेटा नाइस भी था। मुखर्जी नगर की हडसन रोड पर पंकज के भाई का होटल था। पहले पति पत्नी वहीं गए, वहीं पर खाना भी खाया। तब तक आधी रात हो चुकी थी। रेस्टोरेंट में काफी वक्त गुजारने के बाद दोनों गुरुद्वारा बंगला साहिब के लिए निकले। बड़े गुरुद्वारे की खास बात यही होती है कि वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कभी नहीं रुकता। द्वार बंद होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पाठ में शामिल होने वाले भी रात हो या दिन कभी भी गुरुद्वारे जा सकते हैं। बंगला साहिब पहुंचकर पंकज ने पार्किंग में कार खड़ी की और पति पत्नी अंदर जाकर पाठ में बैठ गए। नाइश तब तक सो चुका था। काफी देर वहां रुकने के बाद पंकज ने प्रिया से कहा, भूख लग आई है, चलो बाहर चलकर कुछ खाते हैं। प्रिया बेटे को गोद में उठाकर खड़ी हो गई। दोनों गुरुद्वारे से बाहर आ गए। रात के 3 बजे बाहर कुछ मिलने का सवाल ही नहीं था। सड़कें सुनसान पड़ी थी। पंकज ने प्रस्ताव रखा, चलो घर चलते हैं, रास्ते में कहीं कुछ मिला तो खा लेंगे। प्रिया बेटे को लेकर आगे की सीट में बैठ गई। पंकज ने ड्राइविंग सीट संभाली। कार सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। रिंग रोड से होते हुए जब पंकज की कार रोहिणी जेल जाने वाली रोड पर पहुंची तो वहां से उसने बादली रेड लाइट से यू टर्न ले लिया। उस जगह से रोहिणी सेक्टर 15 के सी ब्लॉक स्थित उनका फ्लैट 5-7 मिनट की ड्राइविंग दूरी पर ही था। पंकज और प्रिया घर पहुंच पाते इससे पहले ही एक घटना घट गई। पुलिस कंट्रोल रूम से 4:20 पर थाना शालीमार बाग को सूचना मिली कि कार रोककर एक महिला को गोली मार दी गई है और उसका पति घायल महिला को रोहिणी स्थित सरोज अस्पताल ले गया है। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल जा पहुंची। वहां डॉक्टरों ने बताया कि प्रिया की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। मृतक प्रिया का पति पंकज मेहरा वहीं पर मौजूद था। वो 3 साल के बेटे नाइस को गोद में थामे खड़ा था, जो बुरी तरह से डरा हुआ था। जिस कार में प्रिया को गोली मारी गई थी वो भी वहीं खड़ी थी। कार की आगे की सीट पर और उसके नीचे खूनी खून फैला हुआ था। दोनों ओर के आगे वाले शीशे भी टूटे पड़े थे। पुलिस ने प्रिया की डेड बॉडी का मुआयना किया। प्रिया के चेहरे और गले पर 2 गोली लगी थी। प्राथमिक लिखा पड़ी के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पंकज ने काफी पहले फोन करके इस घटना के बारे में प्रिया के मायके वालों और अपने घर वालों को बता दिया था। वे लोग भी अस्पताल आ गए थे। पुलिस ने पंकज से प्राथमिक पूछताछ की तो उसने बताया, जब मैंने बादली रेड लाइट से यू टर्न लिया तभी हरियाणा के नंबर वाली सफेद रंग की कार आई। उसने तेज गति से ओवरटेक किया और मेरी कार को जबरन रुकवा लिया। उस कार में से आगे की ओर से एक युवक निकलकर आया, जो मुंह पर रुमाल बांधे हुआ था। उसने पहले मुझे बाहर खींचकर मेरी पिटाई की। प्रिया कार के अंदर मेरी बगल में बैठी थी, नाइस उसकी गोद में सोया हुआ था। पंकज ने आगे बताया, प्रिया ने हमलावर का विरोध किया, तभी कार से एक और युवक निकलकर आया। उसने भी मुंह पर रुमाल बांध रखा था। मार पिटाई के दौरान हाथापाई हुई तो हमलावरों में से एक ने मेरे सिर पर पिस्तौल की बट मारी और दूसरे ने चेहरे पर मुक्का। इसी बीच हमलावरों ने गोली चला दी, जो प्रिया के गले में लगी। बेटा रोते हुए चिल्ला रहा था, तभी हमलावरों ने एक गोली और चलाई। पिस्तौल वाला तीसरी गोली चलाता तभी मैंने पिस्तौल का अगला हिस्सा मुट्ठी में दबा लिया। छीना झपटी में हमलावरों ने एक गोली और चलाई लेकिन चल ना सकी। दूसरे हमलावर ने तब तक दोनों ओर के शीशे तोड़ डाले थे।
पंकज के अनुसार उसने राहुल वान पत्ती की हालत देखी तो स्पीड से गाड़ी दौड़ा दी और उसी समय 100 नंबर पर फोन करके कंट्रोल रूम को सूचना दी, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रिया को मरा हुआ घोषित कर दिया। सालिमा और बाग थाने की पुलिस ने पंकज से कई बार पूछताछ की। इस पूछताछ में पंकज ने बताया कि उसने सोनीपत के एक युवक से 5 लाख रुपए उधार ले रखे थे, जिनका वो मोटा ब्याज देता था। अब उसने ये रकम बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी थी, लेकिन इतनी बड़ी रकम वो नहीं दे सकता था, इसी वजह से उसे बार बार धमकियां मिल रही थी। पंकज ने उसी युवक पर हत्या करवाए जाने का संदेह जाहिर किया। अपने बयान में पंकज ने 6 संदिग्ध लोगों के नाम लिए थे, मोनू, पवन, संजय, मंजीत और 2 अन्य। पुलिस ने सीधे सीधे हत्या का केस दर्ज कर लिया, क्योंकि इस घटना में लूटपाट जैसा कुछ भी नहीं था। हत्या के इस मामले में कई झूल नजर आ रहे थे, फिर भी पुलिस ने उन लोगों को पकड़ने के लिए दबिश दी। पंकज ने जिनके नाम लिए थे उनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके कई कारण थे, जिनमें सबसे बड़ा कारण तो यही था कि पुलिस को पंकज की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसकी एक वजह तो ये थी कि पंकज जिस जगह पर वारदात होने की बात कह रहा था वहाँ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला था जिसे हत्या की वारदात से जोड़ा जा सकता। दूसरी कार की जिस आगे वाली सीट पर प्रिया को गोली लगी थी उसके नीचे कारतूस के 2 खोखे पड़े मिले थे। पंकज चूंकि दूसरी ओर से गोली चलाने की बात कह रहा था, इसलिए उस स्थिति में खोखे प्रिया की सीट के नीचे नहीं बल्कि पंकज की सीट यानी ड्राइविंग सीट के नीचे होने चाहिए थे। यहीं से संदेह पैदा होना शुरू हुआ। सत के अंकुर फूटे तो पुलिस ने पंकज से फिर पूछताछ की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। आगे बढ़ने से पहले पंकज मेहरा और प्रिया की थोड़ी बैकग्राउंड जान ले तो बेहतर होगा। पंकज और प्रिया दोनों के परिवार ही बिजनेस में थे। पंकज का परिवार सालीमार बाग में रहता था। उसके पिता सीएल मेहरा और भाई अनिल मेहरा का चांदनी चौक में गारमेंट का बिजनेस था, जबकि रोहिणी सेक्टर 15 में रहने वाले प्रिया के पिता अशोक मघानी और भाई कार्तिक मघानी का आजादपुर मंडी में बड़ा कारोबार था। रोहिणी आने से पहले मघानी परिवार भी सालीमार बाग में ही रहता था। पंकज और प्रिया सालीमार बाग के ही एक स्कूल में पढ़ते थे। वही दोनों की मुलाकात हुई जो पहले दोस्ती में बदली फिर प्यार में। प्यार हुआ तो दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, साथ ही इस बारे में अपने अपने घर वालों को भी बता दिया। फलस्वरूप दोनों परिवारों की रजामंदी से 22 जनवरी 2006 को दोनों की शादी हो गई। उस समय दोनों बहुत खुश थे, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही दोनों के रिश्तों में दरार पड़ने लगी। वजह थी पंकज का आशिकाना मिजाज। इसके बावजूद दोनों की गृहस्थी चलती रही। कई साल पहले जब पंकज के पिता सीएल मेहरा का गारमेंट का बिजनेस घाटे में जा रहा था, तब पंकज ने अपना अलग बिजनेस करने की सोची। उसका उद्देश्य था अपने परिवार की मदद करना। बिजनेस के लिए उसने अपने एक परिचित के साथ मिलकर कपड़ों को डाई करने की फैक्ट्री खोली, लेकिन उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया, जिसकी वजह से उसे काफी नुकसान हुआ। पंकज को भरोसा था कि प्रिया के मायके वाले उसकी मदद करेंगे, इसलिए उसने पहाड़गंज में एक बार खोलने का फैसला किया। इस बिजनेस की पूरी योजना बनाने के बाद पंकज ने अपनी ससुराल वालों से इस बारे में बात की तो वे पैसा लगाने को तैयार हो गए। पंकज ने 5-7 लाख रुपए अपने पास से लगाए और बाकी ससुराल वालों से लेकर पहाड़गंज में किंग बार के नाम से बार खोल दिया। इसमें उसने अपने साले कार्तिक की भी हिस्सेदारी रखी। पहाड़गंज की तंग गलियों में सैकड़ों होटल है। सस्ते होने की वजह से ज्यादातर विदेशी टूरिस्ट इन्हीं होटलों में ठहरते हैं। विदेशी पर्यटकों की वजह से यहाँ के जो भी 2-4 बार हैं वो खूब चलते हैं। पंकज का भी बार चल निकला। बिजनेस बढ़ाने के लिए उसने 2-3 लड़कियों को भी नौकरी पर रख लिया था। इस बीच प्रिया के मायके वाले सालीमार बाग से रोहिणी सेक्टर 15 में आकर रहने लगे थे। दूसरी ओर घाटे से उभरने के लिए पंकज मेहरा के परिवार ने अपना सालीमार बाग का मकान 70 लाख रुपए में बेच दिया था। बताया जाता है कि मकान बेचने से मिली रकम भी पंकज मेहरा ने अपनी अय्याशी पर उड़ा दी थी। बताते हैं कि उसने दोगुनी करने के चक्कर में ये रकम सट्टे में उड़ाई थी। घर वाले उससे पैसे मांगते थे तो वो ये कहकर उन्हें चुप करा देता था कि रकम बिजनेस में लगाई है, जल्द ही दोगुनी होकर लौटेगी। इस बीच करीब 3 साल पहले प्रिया माँ बन गई थी, बेटा हुआ था जिसका नाम नाइस रखा गया। प्राथमिक जांच में पंकज मेहरा संदेह के दायरे में आ चुका था।
दूसरी ओर प्रिया के घर वालों की बातें भी पंकज को संदेह के दायरे में ला रही थी। इस बीच पुलिस को तथाकथित घटनास्थल के पास वाले पेट्रोल पंप पर एक सीसीटीवी कैमरा मिल गया। पुलिस ने उस कैमरे की फुटेज देखी तो सारी हकीकत सामने आ गई। उस फुटेज में वहां पर रात के 4 बजे से 4:30 बजे तक पंकज की कार के अलावा कोई कार नजर नहीं आई। इसका मतलब था कि पंकज सरासर झूठ बोल रहा था। पोस्टमार्टम के बाद प्रिया का शव उसके घर वालों को सौंप दिया गया था। वे लोग जब उसका अंतिम संस्कार करने शमशान पहुंचे तो पंकज मेहरा भी साथ था। चिता को मुखाग्नि भी उसने ही दी थी। पुलिस ने उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लिया और सीधे थाने ले आई। थाने में उससे कई दौर में पूछताछ की गई। आखिरकार उसने मान ही लिया कि अपनी पत्नी प्रिया का कत्ल उसी ने किया था। ऐसे करके वो एक तीर से दो शिकार करना चाहता था, यानी एक तरफ तो वो प्रिया से पीछा छुड़ाना चाहता था और दूसरी ओर उसके कत्ल में वो उन लोगों को फंसाना चाहता था जिन्होंने उसे कर्ज दे रखा था। अब जांच शुरू हुई तो पंकज के कुकर्मों की एक एक पर्च खुलती चली गई। इसमें उसका मोबाइल और लैपटॉप भी सहायक बने। पता चला कि पंकज मेहरा एक बड़ा सट्टेबाज था। दरअसल सट्टेबाज भी दो तरह के होते हैं, एक सट्टा लगाने वाले और दूसरा लगवाने वाले। सट्टा लगवाने वालों को गुकी कहते हैं। पंकज तभी सट्टेबाजों के चक्कर में फंस गया था जब वो चांदनी चौक में पिता के साथ गारमेंट का कारोबार करता था। जांच में पता चला कि प्रिया और पंकज ने घटना से कुछ महीने पहले ही रोहिणी सेक्टर 15 के सी ब्लॉक में किराए के मकान में शिफ्ट किया था। इसके पहले ये दोनों पंकज के परिवार के साथ शालीमार बाग में रहते थे। रोहिणी शिफ्ट होने की एक वजह ये भी थी कि प्रिया के मायके वाले भी इसी ब्लॉक में रहते थे। पंकज से संबंधों में खटास के चलते बात बढ़ने पर वो कभी भी पास में स्थित अपने मायके चली जाती थी। प्रिया का रोहिणी आने का ये कारण था तो पंकज के अपने अलग कारण थे। दरअसल सोनीपत के कुछ सट्टेबाजों की बुकिंग रोहिणी तक चलती थी। इन बुकिंग से पंकज के काफी अच्छे संबंध थे। उनका पंकज पर काफी पैसा उधार भी था। पंकज चूंकि खुद बुकी था इसलिए चाहता था कि किसी तरह रोहिणी की बुकिंग उसके कब्जे में आ जाए। बहरहाल हकीकत ये थी कि वो सट्टेबाजों की मोटी रकम का कर्जदार था। उस पर यह कर्ज तब से चला आ रहा था जब 18 जून 2017 को भारत पाकिस्तान मैच हुआ था। इस मैच पर पंकज ने मोटी रकम लगाई थी और वो हार गया था। जिन लोगों का पैसा था वो उसे धमकी देते रहते थे। एक तरफ ये सब चल रहा था, दूसरी ओर पंकज मेहरा की रंगीन मिजाजी भी कम नहीं थी। बताया जाता है कि उसके बार में दो लड़कियां काम करती थी, एक दिल्ली की और दूसरी इलाहाबाद की। पंकज ने इन दोनों ही लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। इतना ही नहीं बल्कि उसने रेशमा नाम की एक 23 साल की लड़की को भी अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। रेशमा को उसने न केवल लाखों रुपए के गिफ्ट दिए थे बल्कि उसे किराए का एक मकान भी लेकर दे रखा था। उसका पूरा खर्चा पंकज ही उठाता था। पुलिस के अनुसार पंकज प्रिया को अपने रास्ते से हटाकर रेशमा से शादी करना चाहता था। रेशमा से संबंधों के चलते पंकज कई बार रात रात भर घर नहीं आता था। प्रिया उसे बार बार फोन करती रहती थी लेकिन वो बहाने बनाकर उसे बेवकूफ बनाता रहता था। हालांकि प्रिया इस बात को जानती थी। इसी सब के चलते एक बार प्रिया 11 महीने तक अपने मायके में रही थी लेकिन उसके माता पिता ने उसे समझाकर पंकज के पास भेज दिया था। एक तरफ दबंगों का कर्जदार, दूसरी ओर रेशमा के चक्कर में पत्नी से रुसवा, पंकज की स्थिति अजीब सी हो गई थी। ये अलग बात थी कि इन सब का जिम्मेदार भी वो खुद ही था। जब लेनदार कुछ ज्यादा ही दबाव बनाने लगे तो 2.5 महीने पहले पंकज ने अपना बार बंद कर दिया था लेकिन इससे उसकी समस्या कम होने के बजाय बढ़ती ही चली गई। अंततः उसने इन सब से निजात पाने के लिए ऐसा रास्ता खोजा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसके लिए उसने घटना से 1 महीने पहले जो योजना बनाई वो थी प्रिया को मौत के घाट उतारकर अपने लेनदारों को फंसाने की। इसके लिए पंकज ने अपनी जान को खतरा बताकर एक दोस्त की मदद से एक पिस्तौल खरीदा। इसके बाद उसने कई बार एक ही करके वो जगह तय की जहां आराम से प्रिया का कत्ल कर सके और पकड़ा भी ना जाए। उसे ये जगह मिली बादरी रेड लाइट से यू टर्न लेकर थोड़ा आगे। समय उसने आधी रात के बाद का चुना क्योंकि उस समय वो जगह एकदम सुनसान रहती थी। पंकज की सबसे बड़ी भूल ये थी कि वो पास वाले पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे को नहीं देख पाया था। पुलिस पूछताछ में पंकज ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की।
कभी उसने कोई रूट बताया तो कभी कोई। पुलिस ने उसे साथ लेकर उसकी बताई सभी जगहों, सभी रास्तों को देखा, उन रास्तों के सीसीटीवी कैमरे देखे, लेकिन उसका कोई भी बयान विश्वसनीय नहीं निकला। पुलिस ने जब पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे की फुटेज देखी तो वो पूरी तरह से संदेह के घेरे में आ गया। दरअसल पेट्रोल पंप वाले कैमरे की फुटेज में साफ दिखाई पड़ रहा था कि सुबह के 4:15 पर पंकज ने बादली रेड लाइट से यू टर्न लिया। यू टर्न लेते समय कार की गति धीमी थी, लेकिन अचानक कार की गति बढ़ी और वो सीसीटीवी की रेंज के बाहर हो गई। इसके 5 मिनट बाद ही पंकज ने 4:20 पर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया था। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ था वो 5 मिनट के अंदर ही हुआ था। ये कांड पंकज ने खुद किया था। इस बात की पुष्टि सीसीटीवी की फुटेज से हो रही थी, क्योंकि उस 1 घंटे के दौरान कोई भी कार वहां से नहीं गुजरी थी। पुलिस ने जब पंकज मेहरा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने मुंह खोल दिया। उसने अपने पहले वाले बयान को झुठलाते हुए बताया कि उसने प्रिया के मर्डर की योजना करीब 1 महीने पहले बनाई थी। इसके लिए वो पिछले 6 महीने से टीवी पर क्राइम शो देख रहा था। पूरी तैयारी के बाद 24-25 अक्टूबर की रात को वो पति प्रिया और बेटे नाइस को साथ लेकर गुरुद्वारा बंगला साहिब गया। वहां से वापसी में उसने जामा मस्जिद की ओर से होकर रिंग रोड पकड़ी। उसे तलाश थी किसी ऐसी जगह की जहां प्रिया को मौत के घाट उतार सके। पंकज को ऐसी जगह मिली बादली की रेड लाइट से यू टर्न लेकर। वहां उसने कार के अंदर ही प्रिया को पहले सिर में गोली मारनी चाही, लेकिन ऐन वक्त पर उसने सिर पीछे कर लिया, जिसकी वजह से गोली उसकी गर्दन में लगी। इसके बाद पंकज ने प्रिया पर एक गोली और दागी, जो उसके चेहरे पर राइट साइड से लगकर लेफ्ट साइड से निकल गई। बेटा नाइस उस समय सो रहा था, जो गोली की आवाज से उठ गया था। प्रिया को मौत के घाट उतारकर पंकज ने कार के दोनों शीशे तोड़े और कार तेजी से भगा दी। उसी समय उसने पिस्तौल देवरी लालबत्ती से आगे रोहिणी के रास्ते में पड़ने वाले जंगल में फेंक दी। इसी बीच उसने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया था। पुलिस ने अदालत से पंकज का 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर क्राइम सीन को भी रिएक्ट किया और उसकी फेंकी पिस्तौल भी खोजी, लेकिन कई दौर की खोजबीन के बाद भी पिस्तौल नहीं मिली। संभवतः उसे कोई उठा ले गया होगा। पंकज के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और उसके लैपटॉप से पुलिस को काम की काफी जानकारियां मिली। पता चला कि वो एक साथ कई लड़कियों से चक्कर चला रहा था। इनमें उसके सबसे करीबी थी रेशमा, जिस पर उसने लाखों रुपए खर्च किए थे। सुनने में यह भी आया कि पंकज ने रेशमा से शादी कर रखी थी और वो रातों को कई बार उसी के साथ रुकता था। ये बात भी चर्चा में आई कि पंकज पहले से शादीशुदा था और प्रिया को ये बात पंकज से शादी कर लेने के बाद पता चली थी। जो भी हो, पूरी कोशिश के बाद भी पंकज अपने गुनाह को छिपा नहीं पाया और अपने बुने हुए जाल में खुद ही फंस गया। अब जब वो जेल से बाहर निकलेगा तो उसका वही बेटा बड़ा होकर उसके मुंह पर थूकेगा, जिसने अपनी आंखों से अपनी माँ को मौत के मुंह में जाते देखा। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।